बट यार इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एक क्लोज रूम है, इंसुलेटेड रूम है, उसका उसके अंदर अगर एक रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर का अगर मैं डोर ओपन कर दूं तो क्या रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? तो इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा साइंस देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा हो क्या है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है डियर? एक स्पेस है जिसका काम क्या है कि एटमोस्फेयर से कम टेम्परेचर मेंटेन रखना, एक पर्टिकुलर स्पेस का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको कॉन्टिन्यूस हीट को रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से निकालना होगा और उसको रिजेक्ट करना होगा कहां पे, एनवायरमेंट में। तो दैट मींस लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को क्या करना है, हीट को फ्लो कराना। इसके लिए एक सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग गैस बोलते हैं, ठीक है, और उसका टेक्निकल नेम क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट और गैस क्या करता है, रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से हीट को पिक करेगा और एनवायरमेंट में जाके उसको रिजेक्ट कर देगा। वो एनवायरमेंट कहां पे होता है, जस्ट रेफ्रिजरेटर की बैक साइड में होगा, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर, जहां पे ये हीट रिजेक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। सो अब एज वी नो वेरी वेल कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, बट हमको यहां पे हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्म में। एंड वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, जनरेट नहीं की जा सकती है। तो जो हम इलेक्ट्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क प्रोवाइड, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट को फ्लो कराने के लिए। सो डियर वो इलेक्ट्रिक वर्क भी क्या हो रहा है, हीट में कन्वर्ट होके एनवायरमेंट के रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर क्लोज रूम है और आपने रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन किया तो रूम के अंदर कितना कूलिंग होगा, रूम के अंदर कूलिंग उतना ही होगा जितना रेफ्रिजरेटर के अंदर हो रहा था, ठीक है। और रूम के अंदर हीटिंग कितना होगा, रूम के अंदर उतना हीटिंग होगा जितना रेफ्रिजरेंट ने रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से हीट लिया, वो उसने एनवायरमेंट में रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो वर्क हमने प्रोवाइड किया था वो वर्क भी हीट में कन्वर्ट होके एनवायरमेंट में ही रिजेक्ट हो रहा है। दैट मींस जितना कूलिंग हो रहा है रूम के अंदर उससे ज्यादा हीट रिजेक्शन हो रहा है उसी रूम में रेफ्रिजरेटर की बैक साइड से। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा रूम का। तो अगर क्लोज रूम है, रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करोगे डियर, तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच।